भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं स्वभाव और संबंध काम आते हैं। राम राम सा खमागणी जय श्री कृष्णा। पिंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 33 में आप स्वागत है। तो सुनो सा मार साहब कहवे कपड़ो किन कहवे तो रमेश कहे मन तो ठा कौन सा तो मार साहब कहते थार लेकर कड़ो बनी है तो रमेश कहे मार बाप पुराने पेंटू। घर की रौनक तो बेटियों से होती है, हम लड़के तो बस बाजार से धनिया पुदीना दही लाने के लिए दुनिया में आए हैं। नींद केवे मन नींद नहीं आ रही है तो लुगई केवे जान पर रसन बर्तन पड़िया में साफ कर दो तो बिंद केवे अरे नींद रे मैंने बोल रही हूँ केली रमेशियो आप एक्सरे करवाने वास्ते गयो। डॉक्टर केवे रमेशिया थारे एक्सरे मैंने हड्डी टूटोड़ी है। रमेश पाछो बोलियो शुक्र है एक्सरे मैंने टूटोड़ी है, अगर असली में टूटोड़ी होती तो कितना खर्चा आता। पत्नी केवे सुनो जी मुझे बहुत हकरा सपना आया। पति कहे वाह कैसा सपना। पत्नी कहे यही कि तुम मेरे लिए बहुत हकरी साड़ी लेके आयो। तो पति कहे अच्छा ठीक है तो अभी सो जाओ उसके अगले सपने में पहन लेना। मोबाइल की खोज अमेरिका ने की, सिम कार्ड की खोज जापान ने की और मिस कॉल की खोज भारत की सभी लड़कियों ने की मेरे को छोड़ के। सुबह सरपंच साहब ने पौधा लगाया, दोपहर में उसको बकरा खा गया, शाम को सरपंच साहब बकरे को खा गए। इसे कहते हैं पर्यावरण संतुलन। दुबई कहे सामने वाला घर में बींद बार बीच में कदो झगड़ो चल रहे थे, एक बार भी नहीं किया तो उन्होंने बींद बोलियो कि मैं एक बार गयो जनो इस तो झगड़ो चल रही है। छोरी आपने प्रेमी ने कहवे मेरा जानू माय बेबी माय बच्चा माय स्वीटू माय गोलू क्या तुम मुझसे शादी करोगे बोल मेरा बच्चा। तो छोरा कहवे अरे यार तू प्रपोज कर रही है गोद ले रही है। छोरी एटीएम माते रमेश हूँ बोली भैया मुझे अपना बैलेंस चेक करना है प्लीज हेल्प मी। रमेश जोर एक लात मारी न छोरी हेटी पड़ गई। रमेश जी बोले आपका बैलेंस बहुत ही उगला है। देखो बीवी कितने प्रकार की होती है सुनो, आलसी बीवी खुद जाके चाय बना लो और एक कप मेरे लिए भी बना देना, धमकाने वाली बीवी कान खोल कर सुन लो या तो इस घर में तुम्हारी मार आएगी या फिर मैं, इतिहास पसंद बीवी सब जानती हूँ तुम्हारा खानदान कैसा है, भविष्यवाचक बीवी अगले 7 जन्मों तक मेरी जैसी बीवी नहीं मिलेगी तुमको, भ्रमित बीवी तुम आदमी हो या पजामा, स्वार्थी बीवी ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे पहनने के लिए दी है तुम्हारी बहन के लिए नहीं, सखी बीबी मेरी कौन से स्वतंत्र से फोन पे बातें कर रहे हो, अर्थशास्त्री बीबी कौन से कुबेर का खजाना जमा कर लिया जो रोज पनीर खिलाऊ, धार्मिक बीवी शुक्र करो भगवान का जो मेरी जैसी बीवी मिली है, कुंठाग्रस्त बीवी मेरे नसीब में तुम ही लिखे थे, अब आप सोच लो कि आपकी बीवी कैसी है, मॉडर्न विवाहित पत्नी किचन से पति पर चिल्लाते हुए ये कौन सा खराब आटा उठा के लाए हो सारी रोटियां जल रही है। दो बातें हमेशा याद रखना, एक मुश्किल में घबराना नहीं दूसरा सर्दियों में नहाना नहीं। आज का लेटेस्ट विचार सुनो। छोरो कहवे लड़कियां ससुराल ज्यादा समय क्यों रोती है, तो छोरी पाछो कहवे अगर तुझे कोई घर से दूर ले जाकर झाड़ू पोछा कराए झूठे बर्तन साफ कराए तो तू क्या नाचेगा, रोना ही पड़ेगा। विवाहित महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ इनसे पूछना पड़ेगा और विवाहित पुरुषों द्वारा सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ उससे क्या पूछना। डॉक्टर कह रहे छोटा सा जख्म है चिंता की कोई बात नहीं है, तो भी डॉक्टर की नजर पेशेंट के आईफोन 8 पे पड़ी फिर भी MRI तो करा लीजिए। डॉक्टर कह रहे भगवान ने स्त्री को फुर्सत से बनाया है लेकिन फुर्सत देना भूल गया। रमेश कह पापा कल हम माला माल हो जाएंगे, तो रमेश बाप बोले और की कर रहे, तो रमेश बोले कि कल हमारे गणित के टीचर पैसों को रुपए में बदलना सिखाएंगे। एक गुजराती मारवाड़ी ने आपरो कुओ बेचियो, लिखा पड़ी होगी पैसा रो लेन देन भी हो गयो। अगले दिन गुजराती मारवाड़ी मिलियो और कहो कि मैं थाने सिर्फ कुओ बेचियो उन पानी कौन बेचियो, अगर पानी चाहिए तो पानी की अलग कीमत देनी पड़ेला। इन बातें मारवाड़ी बोलियो कि मैं खुद थारू मिलने वास्ते आ रही, तो और क्यों वास्ते कि कुआर मैंने थारो पानी है उन्हें 2 दिन में मैंने निकाला ले जा नहीं तो मारे कुआ में जो थारा पानी पड़ियो उन्हें किराया देना पड़ जाला। मारवाड़ी तो मारवाड़ी हुए, सर्दी आ रही है सा GST निकाल लो, जी मतलब गुदड़ा, एस मतलब सॉल, टी मतलब टोपो। लुगई रमेश ने कहवे थे ब्याह और पहली मैंने कटक कटक मून वास्ते लेन जाओता होटल और सिनेमा आस पास रहा नजर अधिका होता जद ब्याह हो घर बारे नहीं लेन जावे, तो रमेश यो बोलियो थूक दे चुना और पाछो परचा हो तो देख आए दोस्त की शादी में प्रवीण तो डांस करियो की उन्हों बाप आने पूछ लियो बेटा शादी होंगी कि नागमणी लेने जमानी। गुरु जी मसरिया ने कहवे कि मसरिया बता अस्पताल में मैंने प्लस रो निशान क्या वास्ते होवे,
તેનમાં શ્રી ઉભો હોય અને બોલ્યો, ઓ ઉભો હૈજી કો ડોક્ટર હે અને આડો હૈજી કો મરીજ. ગુરુજી બહુ સજાવે. એક આદમી દારૂ પીવણો બંધ કરી દીધો, એનું લીવર તો બચી ગયો પર એનો દોસ્ત એક બી નહીં બચ્યો. હમે તો ઠંડ ને લૂંટા ગુદડો મેં કાં દમ થા, મુજે એસી જગ્યા હુવાણ્યા જા છાદરા કમ થા, હિયા મર ગયા મેં તો. પતિ કી 5 મિસ કોલ હોને પર પત્ની સોચતી હૈ કી એસા ક્યા હો ગયા જો 5 મિસ કોલ આ ગયે, ઓર પત્ની કે 5 મિસ કોલ હોતે પતિ સોચતા હૈ કી પતા નહીં આજ મેરે સાથ ક્યા ક્યા હોગા. સસુરાલ એક એસા શબ્દ હૈ જિસકે 2 માયને હૈ. લડકે કે લીએ સસુરાલ એક સરકારી નોકરી કી તરહ હૈ. ઓફિસ ગયે તો 10 લોગ સાહેબ કી તરહ આવ ભગત મેં લગ જાતે હૈ. ઓર લડકી કે લીએ સસુરાલ એક પ્રાઇવેટ નોકરી કી તરહ હૈ. કિતના ભી ઓવર ટાઈમ કર લો ટાર્ગેટ તો પૂરા હોને સે રહા. કંજૂસ લડકી દુકાનદાર સે એસા સાબુન દો જો કમ ઘીસે ઓર નાને કે બાદ ચહેરે પે લાલી આયે. દુકાનદાર નોકર સે કહેતા હૈ, મેડમ કો એક ઈંટ કા ટુકડા દે દે ભાઈ. બુરા ના માનો હોલી હૈ કહેકર પડોસી ને મેરે પે રંગ ફેંકા થા, ઓર મેને ભી બુરા ના માનો દિવાલી હૈ કહેકર ઉસકે ઉપર બમ ફોડ દીએ. સારા મુલા રાત ભર સે મેરે કો ઇલ્લા પાડ રહા હૈ. એક છોરી ઓટો મેં જા રહી હતી, છોરી કહે રુકો ભૈયા આપકા મીટર બહોત ફાસ્ટ ચલ રહા હૈ, કુછ તો ગડબડ હૈ. તો મેં ઓટો વાળા કહે, મેડમ ગડબડ કોની ફોડજી હૈ. એક બાર સરદાર કાર મેં બેટરી લગવાને ગયા, કારીગર ને સરદાર સે પૂછા, એક્સાઇડ કી લગા દું ક્યા. સરદાર કાફી દેર સોચને બોલ્યો. સરદાર કહે, અરે યાર બાર બાર કોણ આયેગા, તું દોનો સાઇડ લગા દે. કક્ષા મેં સબસે પીછે બેઠને વાલા છાત્ર ને સવાલ કિયા, છાત્ર કે અગર રાષ્ટ્રગાન ચલ રહા હો તભી રાષ્ટ્ર પશુ આ જાય તો ખડે રહેના યા ભાગના હૈ. સર ને ઇસ્તીફા દે દિયા. ગલી કે નુક્કડ મેં સબ્જી કા ઢેલા લગાતે હૈ. કિસી સે રિશ્તા તોડના બહોત હી તકલીફ દે હોતા હૈ, મગર જહાં આપકી ઇજ્જત જરૂરત ઓર કદર ના હો વહાં સે દૂર ચલે જાના હી બહેતર હૈ. જિંદગી આપકી હૈ, ઇસકો અપને તરીકે સે જીએ ઓર અપની શરતો પર જીએ. જહાં તક લોગો કા સંબંધ હૈ, કુછ તો લોગ કહેંગે, લોગો કા કામ હૈ કહેના. જીઓ દિલ સે. અગર કિસી કો મેરી કોમેડી પસંદ નહીં આયે તો મુજે 50 કરોડ દેકે મેરા મુખ બંધ કરવા સકતે હો, મેં કભી નહીં બોલુંગી. હૈ હિંમત? જિતના ફેસબુક ઓર વોટ્સએપ ચલાયા હૈ ઉતના અગર ટ્રક ચલાતે તો ભગવાન કસમ ટ્રક ઘર કા હો જાતા. અચ્છા સુનો, ઇસમેં કુછ નહીં રખા હૈ, જો રખા હૈ વો ફ્રિજ મેં રખા હૈ, ચુપચાપ ખા લેના ઓર સો જાના. ઓર હાં, મેરી યે કોમેડી લાઇક ઓર શેર જરૂર કરના. બહોત જલ્દી આ રહે હૈ હમ અગલા ભાગ લેકર. ચાતી રામ રામ સા જય શ્રી કૃષ્ણ.